सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ब्लॉगिंग के लिए मैंने कौन सा कैमरा लिया है। तो अभी बस जो है फिलहाल 4:10 5:30 को मुझे जाना है जिम। सो वी हैव 1.5 hours टू कंप्लीट दिस व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू से दिस थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा कैमरा लिया है। तो ये मेरा रूम जो कि थोड़ा डार्क है, तो इसलिए मैं खिड़की के सामने आके व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा में मेरा ये कैमरा जो थोड़ा अच्छा नहीं आता है। दिस इज़ माई किचन, तो हम यहाँ सोते हैं एंड यहाँ खाना बनाता है एंड दिस इज़ माई बेडरूम, तो यहाँ मैं भी सो लेता हूँ मैं। और ये है मेरा कपड़ा का सेशन। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाए तो दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। वैसे ये हेलमेट मेरा भाई का है। पूरी खिड़की मैंने खोल के रखा है क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो जाता है अगर खिड़की उड़की बंद कर दिया तो अभी हम लोग मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे आज हम जाएंगे मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। आपको बहुत ही मज़ा आएगा आज का ब्लॉग में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो है मेरा जुगारू लाइट, सो दिस इज माई जुगारू लाइट। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये लाइट को मैं इधर रख देता हूँ और मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने अमेज़ोन से ये स्टैंड मंगाया था, लेकिन अमेज़ोन वालों ने मुझे एक स्टिक ही नहीं भेजा। सो इसमें सिर्फ 2 स्टिक है, तो इसमें और एक स्टिक होना चाहिए था, लेकिन और एक स्टिक नहीं भेजा, सिर्फ 2 स्टिक है। सो इसको मैंने स्टैंड बना लिया। तो अभी मैं फ़ोन से शूट करूँगा तो बताऊँगा कि मैंने कौन सा कैमरा लिया है। तो दिस इज़ द कैमरा जो मैंने लिया है, GoPro Hero 8। तो इसको मैंने पहले से अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, मैंने पहले से अनबॉक्सिंग कर लिया, माउंट भी हेलमेट में लगा लिया। सो मैं नहीं चाहता कि वो अनबॉक्सिंग वाला मैं थंबनेल डालूँ। सो इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया। तो इसमें GoPro Hero 8 हाइपर स्मूथ 2.0 के साथ मुझे मिला है। और सबसे पहले ये GoPro एंड इसके साथ मिला है मुझे एक माउंट, ये माउंट जो कि आप अपने बाइक के टैंक में लगा सकते हो। तो ये माउंट आप अपने बाइक के टैंक में लगा सकते हो एंड got your charger, one charger, type C cable and one nut. This is for, तो ये है, तो ये जो कि है, ये जो इसमें डाल के ये हेलमेट में फिट करने का नट है। तो ये this is the nut and some instruction. Here's one battery, GoPro का battery. So here's the sticker. तो एक sticker मैंने निकाल के मेरे हेलमेट में लगा लिया, जो कि मेरा हेलमेट जो अभी मेरे दोस्त के घर में छूट गया है। तो कल मैंने लेके गया था तो मैंने उधर छोड़ दिया। तो वो दोस्त का नाम बॉयलर है, तो मैं अभी जाऊंगा उसके घर, तो हेलमेट लूँगा और हम लोग मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए। तो व्हाट वी हैव हियर इज़ अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज फॉर योर GoPro फुटेज,
Damage camera replacement, no question asked. Try it free GoPro. मालूम नहीं क्या है वगैरह वगैरह, अगेन वन मोर पेपर हैव क्वेश्चंस, तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग जाके ये GoPro.com ये साइट में जाके हम लोग पूछ सकते हैं. एंड बहुत सारा किताब है इधर, अगेन वन मोर बुक इज ऑल अबाउट दिस. These are all the instructions about GoPro. And price of this GoPro Hero, it is 29,000. So I've got this for 29,000. So अभी मैं इसमें ये बैटरी को डाल देता हूँ. And so you just need to press once here. And see, एक बार सिर्फ दबाना है और ये चालू हो जाएगा. तो इसमें मैंने मेमोरी डाल के रखा है, तो क्योंकि मैंने पहले से अनबॉक्सिंग कर दिया था. तो अभी मैं जाऊंगा दोस्त के घर, तो मुझे हेलमेट लेना है, उसके बाद हम लोग मोटो व्लॉगिंग करेंगे. सो 5:50 को मुझे जिम भी जाना है, तो इसलिए वी डोंट हैव एनफ टाइम. सो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए मैंने ये टीवी को वो रूम से ये रूम में लगा दिया. तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी मुझे लेना है ये नट एंड इस GoPro. तो मुझे अभी कंप्लीट सेटअप तैयार करने के लिए मुझे अभी ऑलमोस्ट 8,000 कुछ चाहिए मुझे, 8,000 रुपीस कुछ, क्योंकि मुझे खरीदना है एडाप्टर एंड इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 4,500. तो इसके लिए, इसका माइक अटैच करने के लिए मुझे एक एडाप्टर लेना पड़ेगा, फिर मुझे हाउसिंग लेना पड़ेगा. हाउसिंग को उसका भी 2,500 समथिंग पड़ता है. एंड आई नीड टू टेक माइक तो जो भी चल जाएगा, लेकिन पहले तो वो दोनों लेना पड़ेगा. फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, फिलहाल आई एम आउट ऑफ कैश. तो कुछ दिन के बाद लेंगे, वैसे भी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे में हम लेंगे. तो क्वालिटी में अभी ख़राबी नहीं आएगा, वॉइस में भी ख़राबी नहीं आएगा. तो हम रेडी हो जाते हैं. तो कौन सा कपड़ा पहनेगा, जिम में जाना है. सो वहाँ से आने के बाद हम लोग डायरेक्ट जिम जाएंगे. तो व्हाट वी शुड डू नाउ इज, तो फिलहाल मैं कपड़ा चेंज कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं. तो अभी हम ये GoPro और इसको ले लेते हैं, और हम अभी चलेंगे. तो शर्ट मैंने सिर्फ अंदर का चेंज किया है, क्योंकि ऊपर में मैंने हाफ शर्ट पहन लिया है. तो अभी जाएंगे हम लोग, तो मिलते हैं डायरेक्ट बॉयलर के घर में. वहाँ से हेलमेट ले लूँगा, फिर डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग करेंगे हम लोग. हेलमेट नहीं है, तो हम लोग ये रुमाल बांध के जाएंगे. तो हेलमेट नहीं है, तो हम लोग ये रुमाल ले लेते हैं. तो ब्रूटल का चाबी मिल गया है, तो अभी हम लोग निकलेंगे. सो अभी टाइम हो रहा है 4:50, सो 4:30, 4:05, तो वी हैव 40 मिनट्स लेफ्ट. तो दिस आर ऑल द आइटम्स विच आई हैव गॉट हियर. तो जिम जाने के बाद डायरेक्ट मैं जिम से आने के बाद मैं डायरेक्ट वीडियो एडिट करूँगा. तो अभी जाऊँगा बॉलर के घर, वहाँ पर मिलते हैं हम आपको. सो ये है हमारा घर, कुछ इस तरह दिखता है बाहर की ओर. सो बारिश आने की आशंका, तो अगर मैं गया तो बारिश ही ना आ जाए, तो निकलते हैं. सो हियर इज आवर ब्रूटल. तो जिस किसी ने भी अभी तक ब्रूटल को अच्छा से नहीं देखा, देख लीजिए. तो मैंने एग्जॉस्ट लगाया था इधर, लेकिन पुलिस वालों ने
निकालने को बोला था मुझे यहाँ बालीपाड़ा पुलिस वालों ने, मैंने निकाल दिया। तो लास्ट टाइम मैंने जो एक्रोपोविक का डबल बैरल वाला एग्जॉस्ट लगाया था वो बहुत ही आवाज करता था, तो उसको मैंने मेरे दोस्त को दे दिया वो एग्जॉस्ट को। जाएंगे तो अभी डायरेक्ट आपको बॉयलर के घर में मिलते हैं, वहाँ पे वहाँ से डायरेक्ट मोटो व्लॉगिंग शुरू होगा। ये लोग हेलमेट लेके यहाँ पे आ गए, तो अभी हम लोग अभी मैं हेलमेट ले लूँगा और मोटो व्लॉगिंग करूँगा। तो एक स्टिकर मैंने इधर चिपका दिया और माउंट इधर मैंने एमसेल से चिपका दिया। तो ऑर्डर किया था माउंट वो जो बेल्ट के साथ आता है, वो बहुत ही समय लग रहा है, तो अभी मैं ये वाला माउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं स्लिप होने वाला था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर, तो मैंने हेलमेट ले लिया है, रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गोरुमारा से। तो मैंने सोचा था कि बॉयलर के घर से हेलमेट लूँगा, लेकिन वो आधा रास्ता आ गया था। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, तो अभी मैं डायरेक्ट जाऊँगा घर। आज घूमने का कुछ प्लान नहीं है, तो लेकिन मेरा हेलमेट लेके गया था ये बॉयलर, तो उसके घर में छोड़ दिया था। तो अभी मैं वापस अपने हेलमेट लेके जा रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। एंड अभी तो फ़िलहाल रात हो गया है, तो इसमें व्यू इतना अच्छा नहीं आएगा। एंड तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं धान लगाया हुआ है, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, दोनों साइड में धान लगाया हुआ है। और हम वादियों के बीच से जा रहे हैं, ठंडा ठंडा हवा आते हुए, ठंडा ठंडा हवा आते हुए, और हम जाते हुए वहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड बेल आइकन, अभी तक जिसने भी नहीं दबाया प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, तब मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो पहुँच चुके हैं हम लोग बालीपाड़ा, वहाँ पर अभी एक गाय से टक्कर होने वाला था, गाय भी इतना पीछे रास्ता क्रॉस करते हैं। तो दिस इज़ द बालीपाड़ा मार्केट एंड तो हम अपने मंजिल के और चल रहे हैं, मंजिल पहुँचने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से जाता है मेरा जिम, जिम बंद है आज, आज संडे है ना, लेकिन हमको बोला था यार आज आओ बोल के, काली आई भी बोल के, तो आज जिम बंद है। तो जाएंगे हम लोग वापस अपने घर। तो पहुंच चुके हैं हम अपने घर, तो वीडियो का हम लोग डायरेक्ट घर में समाप्त करेंगे। हम जिम खुला होता तो मैं वीडियो को एंड उधर में कर देता, तो आज जिम बंद है, बाय ब्रूटल, गुड नाइट। होम स्वीट होम। तो कुछ
इस तरह का सेटअप है मेरा घर के अंदर। तो उसमें मैं क्या बैकग्राउंड के लिए मैं यूज़ करता हूँ मेरे वो टीवी को, एंड ये जो लाइट है मैंने स्टैंड लगा के बनाया है। एंड सो इफ यू लाइक माई वीडियो मेक श्योर यू गिव मी थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।